सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लोकेशन आप लोगों को थंबनेल से ही समझा जाएगा क्या सही लोकेशन है। और इनफैक्ट मैं खुद शॉक हुआ जब ये लोकेशन के बारे में पता चला, क्योंकि पनवेल में ही होता है ये लोकेशन। मैं इतने टाइम से पनवेल में ही, मतलब वही एरिया में रहता हूँ मैं, और मेरे को कभी ये लोकेशन मालूम नहीं पड़ा। तो आज ये ब्लॉग हम लोग जो करने वाले, वही लोकेशन को हम एक्सप्लोर करने वाले, क्योंकि बहुत लोगों को बोल रहे हैं वो एक हिडन जेम है, वो पता नहीं है बहुत से लोगों को, और मेरे को खुद को नहीं पता था, वो ज़्यादा मेरे को शॉकिंग लगा है। तो आज की राइड वही रहेगी, पूरा लोकेशन हम एक्सप्लोर करेंगे, पूरा डायरेक्शन आपको सब बताऊंगा, और उसका गूगल मैप का जो लिंक रहेगा वो भी मैं आपको याद से इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग भी वहाँ पे जा सकते हो। तो दैट्स इट, चलो अभी फटाफट बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और वैसे आज बारिश का कुछ क्लाइमेट दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो भी सेफर साइड के लिए मैंने रेनकोट कैरी किया, देखते हैं क्योंकि वहाँ का बोल नहीं सकते। तो चलो स्टार्ट करते ब्लॉग को। और वेदर आज कुछ ज़्यादा ही क्लियर है, मतलब इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिटरली धूप आ रही है मतलब, और ज़्यादा गर्म होने लग गया, मतलब चाहिए वेदर यार ऐसा। हम नहीं बोल रहे कि नहीं चाहिए बारिश, बारिश भी चाहिए, मगर इतना भी क्लियर वेदर नहीं चाहिए कि धूप लगने लग जाए उससे। अभी धूप तो मेरे को मालूम है कि यहीं पे लगने वाली है, आगे जब हम लोग वो रूट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा वहाँ पे धूप रहेगी ज़्यादा, बट वैसे तो क्लाइमेट क्लाउडी तो है, बस अभी धूप निकल के बैठी है। तो अभी हम जा कहाँ रहे हैं, इसे छोटा मोरबे डैम भी कहते हैं, जो बेसिकली आपको पता होगा मोरबे जो डैम है वो चौक साइड में आता है, और ये छोटा मोरबे जो है ये पनवेल के अंदर आता है। दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं मगर लोकेशन अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट है। जो प्रॉपर मोरबे डैम है वो चौक साइड में है, और ये उसका सेकेंड एंड है। अंदर से जा रहा हूँ इसके लिए यहाँ से नहीं समझेगा आपको, मगर आप जब कलमबोली सर्कल, जो मैगडी पॉइंट है कलमबोली का, वहाँ से आओगे तो वहाँ से राइट लेना है आपको और स्ट्रेट आना है, जो हम लोनावला वगैरह जाने के लिए जो रोड लेते हैं उसी रोड से आना है आप लोग को। मैं दिखाता हूँ, मैं JNPT वाला रोड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोनावला जाने के लिए सब JNPT का रोड लेते हैं। आप लोगों को JNPT के रोड से नहीं जाना है, JNPT रोड हमारे ऊपर से जाएगा, मतलब आपको प्रॉपर पनवेल वाला स्टॉप लेना है, वहाँ से एक ब्रिज है वहाँ से आना है, मैं बता दूंगा वो ब्रिज किधर है। सीधा जाएगा पनवेल, और यहीं से हमें जाना ज़रूरी था। ये ओल्ड वाला रोड है, मतलब नॉर्मली हम लोग सब JNPT रोड से जाते हैं, मगर ये दूसरा वाला रोड है उसके बाजू में से, तो उतना ही याद रखना बस। ये सीधा जाएंगे तो ओल्ड पनवेल आता है, और लेफ़्ट मारेंगे तो न्यू पनवेल है, तो न्यू पनवेल के लिए लेफ़्ट लेना हम लोग को, क्योंकि यहाँ से ही वो रोड है। फिर यहाँ पर लिखा भी है न्यू पनवेल। अब यहाँ पर क्या हो गया, बीच रास्ते में हैंड ब्रेक लगा के चला गया बंदा, उसको गाड़ी में इशू आ रहेगा। ये टर्न याद रखना बस, यहाँ से सीधा नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट जाना है हम लोग को। और मैं पहले ही बता रहा हूँ पानी वगैरह ये सब कैरी कर लेना, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह नहीं रहता है जितना मेरे को मालूम है। सेफर साइड के लिए इधर से ही अपना लेके चलना। आज सही ग्रीनरी है यार इधर, आगे से इधर से किधर तो ये भी एक फिल्म सिटी भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में जब आएगी ना, वहाँ पे पहले शूटिंग वगैरह होता था और अभी वो बंद हो चुका है। इधर ही किधर तो सेट है, हाँ ये देखो, यहाँ से सब फिल्म सिटी वगैरह चालू होता है, ये सब मतलब इधर शूटिंग होता था पहले। अभी तो बंद कर दिया, अभी अंदर भी जाने नहीं देते शायद। इधर कहीं पे टॉयलेट, हाँ अरे वो ये था, वो उसका मेन गेट है ये। अभी यहाँ से बस थोड़ा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि एक छोटा सा राइड आता है जहाँ पे शायद कुछ नेम प्लेट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहीं से बस बाइक अंदर डालना याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप आगे चले जाओगे।
फुल गाँव है, फुल गाँव है यहाँ पे। इसके लिए इतने छोटे छोटे रोड के समझ नहीं आ रहे हो कि जैसे किधर जाना है। आएगा इसमें को यहाँ से पूछना ही पड़ेगा अभी। मोरबे मित्र छोटे मोरबे जायला रोड कुठे आहे? तो मोरबे छोटा मोरबे डॅम कुठंच आहे ना? 5 किलोमीटर अजून। बस रोड याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत अंदर अंदर से रोड है। इसके लिए मैं तो बोलूँगा आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो बीच में स्किप करना ही मत, क्योंकि कौन सा टर्न किधर मिस हो गया ना फिर आप लोग भी घूम जाओगे ऐसा है। इसके लिए पूरा देखो, एटलीस्ट लोकेशन तक पहुँचने तक पूरा देखो, ताकि लोकेशन में मतलब जो डायरेक्शन में बता रहा हूँ वो आप पता रहे। और आगे व्यू देखो यार, कोंडले। हाँ अभी यहीं से किधर तो राइट आएगा मेरे हिसाब से। बस इसकी कमी थी, अब तक तो भी रोड अच्छा था, अभी तो रोड भी खराब हो गया है। काका छोटे मोरबे डॅमला जायला रोड कोणता आहे? छोटा मोरबे डॅम आणि मोठा देऊन आलो सरळ तिकडे काहीतरी एक बघा तलावाच्या मध्ये एक घर आहे बघा ना काहीतरी। सरळ जावं लागेल ना, 2-3 किलोमीटर आहे नंतर कच्चा रस्ता लागेल। मग तिकडनं राईट घ्यायला काय आहे का लिहायला असं? हां रोडला। अच्छा चालेल। 3 किलोमीटर असेल ना? 3 किलोमीटर असतील ना? 3 किलोमीटर असेल ना? ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू दादा। एक चीज नाही समज आली, जितनो कभी पूछ रहा हो बस इतना ही बोलेगा 3 किलोमीटर है 5 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है 5 किलोमीटर है, मगर वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? रोड बहुत गंदा है, उन्होंने बोला था कच्चा रोड है थोड़ा, मगर इतना थोड़ा नहीं चाहिए मालूम था। और एक तो हमारा टेल टाइट है, पीछे से सब उड़ेगा। लोकेशन बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है ये। और वो जो सामने प्रबलगढ़ है, वो जो फ्लैट दिख रहा है ना एकदम, मैं दोनों हाथ छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मुझे कभी भी क्लच की जरूरत है। तो वो साइड में जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, वो पूरा प्रबलगढ़ है। और उसके वो लेफ्ट हैंड साइड में कलावंतीन है। और ये कौन सा है ये इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये 3 किलोमीटर क्यों नहीं खत्म हो रहे मेरे आज? बाकी क्या ग्रीनरी है यार। आ गए लगता फाइनली हम लोग इधर, गाड़ियां तो इधर से ही किधर से आ रही है, मगर रोड बहुत खराब है, कसम से बहुत खराब है। उन्होंने बोला था गाड़ियाँ लगी है उधर से रोड है, वही जगह है मतलब, और गाड़ियाँ तो कोई दिख नहीं रही है। किधर है किधर है? ओहो समझ गया, फोटो को उधर आ गए। मैं जब बोलता था ना एक छोटा सा टर्न आता है, वो रहा वो शायद, शायद अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, जब तक देखूंगा नहीं तब तक बोल नहीं सकता। बाकी राइड और लोकेशन एक नंबर, वो सबसे सामने वाला व्यू सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है इधर। हाँ इधर ही गाड़ियाँ लगी है,
अभी देखते हैं इधर ही है क्या होगा। हो व्यू तो मस्त दिख रहा है इधर। बस इधर ना गिर जाओ। इधर तो पार्किंग का पूरा प्रॉब्लम है भाई। पहले देखना पड़ेगा यही रोड जा रहेगा, क्योंकि जाएगा तो मेरे हिसाब से यही रोड। नहीं चढ़ने वाली इधर से, अरे इधर अब स्लिप मार रहा है। ओके गाड़ी पार्किंग करने के लिए तो आगे जगह है। ओ देखो आगे डैम भी है। गया पूरा टायर भर गया मेरा पीछे से। हाँ यही रोड है, आ जा। वैसे तो गाड़ी उधर से रुका देनी चाहिए थी, मगर मैं इतना राइडिंग गियर डाल के यहाँ से चलने वाला तो हूँ नहीं। मैं तो इंटर की बाइक लेके जा रहा हूँ। इधर चांसेस है बाइक पंचर हो सकती है, मगर देखते हैं अभी। ये तो ऑफ रोड हो गया पूरा। इतना तो शोर अंकल उधर तक गाड़ी लेके गए, मतलब ये भी बाइक जाएगी उधर। अगर इधर बाइक पंचर हुई तो हो गया। मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई उधर पार्किंग में बाइक लगा के आओ, इधर से थोड़ा चल लेना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोड शायद बाइक पंचर करा सकता है। और ये रहा इतने मेहनत का फल। व्यू देखो बस अभी इधर। पानी के बीचों बीच घर, क्या बोला था, क्या सही लोकेशन है। ये है हेवन। और ये हमारे बाइक का कूलन कंटिन्यू स्टार्ट था। रुक जाओ, इसको न्यूट्रल करके पहले थोड़ी ठंडी कर देता हूँ। क्या लोकेशन है देखो, पानी के बराबर बीचों बीच घर बना है। एक्चुअली कुछ तो कोई तो ये खेती टाइप है, वो फार्मिंग है कोई तो। मगर व्यू, ये व्यू के लिए इतना स्ट्रगल था। चलो थोड़ा गाड़ी एक सॉर्टेड जगह पे लगाता हूँ,
जहाँ से एक मस्त फोटो मिले हम लोग को। मस्त उधर ढस गई थी गाड़ी मेरी। ये तो अभी फिर भी पानी में से आया तो थोड़ा, मगर ये तो कीचड़ देखो, पहले जाके वॉश कराना पड़ेगा इसको। मगर ठीक है यार, ये व्यू के लिए तो इतना वर्थ है। क्या सही व्यू है देखो, बेस्ट प्लेस तो ये है। मस्त। तो चलो अभी थोड़ा काम पे लगते हैं, थोड़ा सिनेमैटिक, थोड़ा शूट सब चालू करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ। ऑल राइट, सो मेरे पीछे बैकग्राउंड कैसे लग रहा है आप लोग को? बोला था ना लोकेशन एकदम क्लास रहेगा। ये हमारी फ्यूरी इधर लगी है और ये देखो क्या व्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं आउट ऑफ इंडिया आ चुका हूँ इधर। क्या मस्त दिख रहा है लोकेशन, पूरा लोकेशन एक नंबर दिख रहा है देखो। मतलब जितना भी ऑफ रोड हम लोग ने किया, जितना भी रोड ख़राब था, जो भी था, लोकेशन एक नंबर मिली है। फुल पीस। और मतलब ऐसा है ना, दो प्लेसेस यहाँ पे देखो, एक तो ये इधर है और एक उसके आगे उधर एक डैम है, वो जो आप एंड देख रहे हो ना उधर एक डैम है, तो पब्लिक सब ज़्यादा करके उधर आ रही, तो इधर कोई इतना नहीं है। देखो ये पूरा बस मैं हूँ इधर। अभी देखता हूँ शूट करने का सोच रहा हूँ और क्या क्या करना है इधर। पहले तो इधर तो बस पहले फील ले रहा हूँ, बस एक शांति से बैठता हूँ इधर और फिर सोचता हूँ आगे क्या क्या करना है। तब तक आप लोग एक सिनेमैटिक देख लिया रहेगा आपने इंट्रो में, वो देखो ना। तो अभी मैं कुछ आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ, वो देखो। हमारा एंड करने का वक्त आ गया है, हो गया पूरा राइड, अभी तो बस घर ही जाना है। बट मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनके साथ आप यहाँ पर आना चाहते हो। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट और आप चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।